हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर जो है ना, मैं आपको मूवी ऐप का जो डेमो दूंगा। अगर आपको इसका जो है सोर्स कोड बिल्कुल फ्री में चाहिए तो आपको जस्ट 10 कमेंट्स करने हैं। मैं इसका जो सोर्स कोड है आपको बिल्कुल फ्री में दे दूंगा और ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट रहने वाली है, ठीक है। तो आप इसको अपने रिज्यूमे के अंदर भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि रिज्यूमे के अंदर नहीं डाल सकते, बिल्कुल फ्री के अंदर, ठीक है। इसका सोर्स कोड दूंगा। तो ये जो है हमारे पास लॉगिन और रजिस्टर का है, तो यहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। फायरबेस बेस का जो है, जो हमने डाटा बेस यूज़ किया है जिसके अंदर हमारा डाटा जा रहा है और उसके अंदर डाटा आ रहा है। मैं यहाँ से जो है ना लॉगिन करूँगा तो यहाँ पे ये देखना, ये home.html के अंदर चला गया है और यहाँ पे ये देखो, ये हमारी आ गई। तो ये अगर आप लॉगिन नहीं करोगे तो यहाँ पे नहीं आओगे, आपको लॉगिन रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर तो लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन हो ना हो तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे ये देखो, ये जो है आपके पास यहाँ पे ये देखो फुली जो है आपको जो है देगा आपको डार्क मोड एंड लाइट मोड, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे ये देखो ट्रेंडिंग मूवीज़ हैं, यहाँ पे ये देख लो, यहाँ पे यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पे कस्टम जो है ये वाला मैंने आपको CSS प्रीफिक्स के अंदर आपको दिखाया था स्क्रॉल बार, ठीक है। तो ये है हमारे पास, यहाँ पे ये सब कुछ जो है डायनेमिकली आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी जो है हमने यूज़ नहीं किया, बिल्कुल डायनेमिकली आ रहा है स्वाइपर GS को यूज़ करते हुए, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे हमारी पॉपुलर मूवीज़ हैं और यहाँ पे जो है ना इन्फिनाइट इसके अंदर लगा हुआ है। यहाँ पे नीचे चलते जाओ ये देखो ऑटोमेटिकली डेटा जो है आ रहा है। यहाँ पे ये देखो एंड पे जाओ और आ गया, ये देख लो यहाँ पे एंड पे जाओ और डेटा आ गया, यहाँ पे ये देख लो यहाँ पे और डेटा आ गया, ठीक है। और एक अच्छी बात जो ये है कि ये जो है हमारे पास, हम जो है ये मैंने पेज जो दिए हुए हैं, ठीक है, इसके अंदर जो है आप यहाँ पे ये देखो इसके ये वाला जो है यहाँ पे नीचे करो, यहाँ पे रेटिंग वगैरह देख ही रही है। अगर आपको यहाँ पे ये देखो ना, ये कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। अब जो है अगर आप यहाँ पे आओ हमारे वॉच लिस्ट पेज के अंदर, तो ये देखो ये जो है हमारे पास ये सेव हो गया। और यहाँ पे ये देखो इसके अंदर भी लाइट एंड डार्क मोड लगा हुआ है, अच्छी बात जो है वो ये है, ठीक है। ये देख लो यहाँ पर ये आ रहा है, ठीक है। अगर जितने चाहो आप, ऐसा नहीं है कि एक होम के अंदर जाना चाहो, होम के अंदर बैक जाओ और यहाँ पे आके आप जितनी चाहो। यहाँ पे ये देखो ये स्टिल अभी ब्लैक है, मतलब कि इसके अंदर लगा हुआ है। यहाँ पे ये मैंने सेव की, ये भी सेव कर दी और मैं यहाँ से ऊपर जाके अपनी वॉच लिस्ट के अंदर चले जाऊँगा तो यहाँ पर ये देख लो ये सब जो है। और यहाँ पर ये देखो आप जितनी बार भी रिलोड करोगे तो आपको अपना मोड नहीं चेंज होगा, यानी ये जो है ना सब कुछ हमारे पास आएगा। यहाँ पर ये देखो ये सेव हो गई, यहाँ पर चाहो तो रिमूव कर दो, ये देखो ये रिमूव भी हो गई, ठीक है। तो ये रिमूव हो जाएंगे, ये दिक्कत नहीं है, मैं कर दूंगा, ठीक ठीक है। अब वापस होम के अंदर आओ तो यहाँ पे ये देख लो, ये जो हमने सेव किए थे वो रेड से दोबारा जो है हमारे ब्लैक हो गए हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है अगर आपको किसी मूवी की डिटेल देखनी है, उसका कोई ट्रेलर वगैरह भी देखना है ना, तो आप इसको जस्ट यहाँ से करो। यहाँ पर ये देखो इसके बारे में नाम आ रहा है, इसके अंदर भी डार्क एंड मोड लगा हुआ है हमारा सारा, यहाँ पर ये देखो, ओके। और उसके बाद जो है ना इसकी रिलीज डेट, कास्ट कौन है इसके अंदर, कौन इसका डायरेक्टर था। और उसके बाद अगर आप इसका कोई ट्रेलर वगैरह भी देखना है तो आप यहाँ से ट्रेलर वगैरह भी देख लो। तो मैं चला नहीं रहा है, ऐसा ना हो कि यूट्यूब का कोई इसके अंदर कोई स्ट्राइक आ जाए, तो यहाँ पर मैं इसको चलाने का, ये चलेगा सही, ऐसा नहीं चलेगा नहीं है, ठीक है। तो आप इसको जो है वापस होम के अंदर जा सकते हो, डिटेल पेज के अंदर जा सकते हो। अभी जो है ये सर्च वाला नहीं वर्क कर रहा, ये मैं अभी इसका भी काम थोड़ा करना, यानी सर्च करने के ऊपर जो है यहाँ पर मूवीज़ जो आ जाएँ, ठीक है, वो मैं लगा दूंगा, वो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और इसके बाद इसके अंदर कुछ और इम्प्लीमेंटेशन क्या कर होनी चाहिए आप कमेंट के अंदर ज़रूर बताना, मैं इंशाल्लाह इसके अंदर ऐड करूंगा और आपको इसका कोड दूंगा बिल्कुल फ्री के अंदर। इसका जो कर्सर है वो पॉइंटर करूंगा मैं 50